हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 9th of February। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ फाउंड द रेडियो एक्टिव कैप्सूल दैट वेंट मिसिंग इन January 2023। आपसे पूछा जा रहा है जनवरी 2023 में लापता हुआ रेडियो एक्टिव कैप्सूल को किस देश ने ढूंढ निकाला है। आपके ऑप्शन है USA, ऑस्ट्रेलिया, रशिया या यूक्रेन। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने इसको ढूंढ के निकाला है। सो अथॉरिटीज इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अनाउंस्ड दैट दे हैव फाउंड अ टिनी रेडियो एक्टिव कैप्सूल विच वेंट मिसिंग लास्ट मंथ एंड द कैप्सूल वॉज फाउंड व्हेन अ व्हीकल इक्विप्ड विद स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट डिटेक्टेड रेडिएशन। द ऑब्जेक्ट वॉज लॉस्ट वाइल बींग ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग अ 1400 किलोमीटर रूट अक्रॉस द स्टेट एंड इट कंटेन्स अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ cesium-137 विच कुड कॉज स्किन डैमेज, बर्न एंड रेडिएशन सिकनेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच यूनियन मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इम्प्लीमेंट्स द नमस्ते स्कीम। आपसे पूछा जा रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नमस्ते योजना को लागू कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ MSME या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सो नमस्ते स्कीम, नमस्ते का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। और नमस्ते इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इज आर करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार से संबंधित कौन सा कथन सही है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है निशार इज अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी जॉइंटली डेवलप्ड बाई नासा एंड इसरो। सेकेंड, निशार विल बी द फर्स्ट सैटेलाइट मिशन टू यूज टू डिफरेंट रडार फ्रीक्वेंसीज टू मेजर चेंजेस इन आर प्लैनेट सरफेस। और इस क्वेश्चन में आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। निसार की बात करें तो ये एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी होगा बींग जॉइंटली डेवलप्ड बाई नासा एंड इसरो, एंड निसार विल मैप द इंटायर ग्लोब इन 12 डेज एंड प्रोवाइड द डाटा फॉर अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन अर्थ इकोसिस्टम, आइस मास, वेजिटेशन, बायोमास, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर एंड नेचुरल हजार्ड्स इंक्लूडिंग अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया इज गोइंग टू सेट अप द न्यू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल विद विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है भारत किस देश के साथ नई व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना करने जा रहा है। आपके ऑप्शन है यूरोपीय यूनियन, जापान, फ्रांस या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। सो इंडिया एंड द यूरोपीय यूनियन अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ अ न्यू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल दैट इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज रिलेटिंग टू द एरे ऑफ डोमेन्स इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमी कंडक्टर्स एंड साइबर सिक्योरिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपसे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के संबंध में सही कथन के बारे में पूछा गया है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है
It is a blueprint prepared by the Ministry of Shipping, Ports and Waterways. Second, the Riverine Development Fund will set up under this vision document to extend low-cost funding to finance inland vessels. Third, overall investment of 30 lakh to 35 lakh crore across ports, shipping and inland waterways categories. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है इस मिशन के लिए वो है 3,50,000 crore अक्रॉस पोर्ट्स, शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज कैटेगरीज. इसके अलावा बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 को एट द मैरीटाइम इंडिया समिट विच वाज हेल्ड इन नवंबर 2020. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. टर्की एंड सीरिया लाई इन विच सिस्मिकली एक्टिव जोन. आपसे पूछा जा रहा है कि तुर्की और सीरिया किस भूकंपीय क्षेत्र से सक्रिय रूप में स्थित हैं. आपके ऑप्शंस हैं अनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक, नजका टेक्टोनिक ब्लॉक, कोको टेक्टोनिक ब्लॉक या अरेबियन प्लेट. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक. वैसे तुर्की की बात करें तो वो चार टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर बसा हुआ है. उसका ज़्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर स्थित है. एनाटोलिया प्लेट का मतलब है एशिया माइनर और इस प्लेट के पूर्व में ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है. लेफ्ट साइड देखें तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है जो अरेबियन प्लेट के साथ जुड़ता है. वहीं साउथ और साउथ वेस्ट में अफ्रीकन प्लेट है जबकि नॉर्थ साइड में यूरेशियन प्लेट है जो उत्तरी एनाटोलियन फॉल्ट से जुड़ा हुआ है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. E20 फ्यूल इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इट रिफर्स टू. आपसे पूछा जा रहा है E20 ईंधन जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है वो किसको सूचित करता है. आपके ऑप्शंस हैं अ न्यू टाइप ऑफ रिन्यूएबल फ्यूल, सेकेंड फॉसिल फ्यूल क्रिएटेड फ्रॉम कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, थर्ड एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल एंड फोर्थ नन ऑफ दीज. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल. तो E20 संबंधित है एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से. द सिटी ऑफ बेंगलुरु इज अमंग द वन दैट विल हैव रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ E20 फ्यूल, अ ब्लेंड ऑफ 20% ethanol and 80% petrol. Bengaluru is among the 15 cities across the India that will get E20 fuel through outlets run by Indian Oil Corporation in the first phase. बढ़ते हैं next question की ओर. I2U2 group recently seen in the news comprises of. आपसे पूछा जा रहा है I2U2 समूह जिसे प्रायः खबरों में देखा जाता है उसमें कौन कौन से सदस्य हैं. आपके ऑप्शंस हैं USA, इराक, इंडिया, UAE. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इसमें USA, इंडिया और UAE के साथ जो चौथा देश है वो है इज़राइल. एंड द ग्रुप्स जॉइंट स्टेटमेंट स्टेट्स दैट द कंट्रीज एम टू कोऑपरेट on joint investment and a new initiatives in water, energy, transportation, space, health and food security. तो I2U2 की जो ग्रुपिंग है उसमें भारत, इज़राइल, UAE और USA शामिल हैं. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.